नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीढ़ के एमआरआई के बारे में, यानी कि स्पाइन एमआरआई के बारे में। दोस्तों, रीढ़ या रीढ़ की हड्डी का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई एक तरह का नैदानिक परीक्षण है, और इसमें बड़े चुंबक, रेडियो तरंगों और कंप्यूटर की मदद से रीढ़ और आसपास के ऊतकों की विस्तृत तस्वीरें तैयार की जाती है। हमारी रीढ़ में छोटी छोटी हड्डियाँ होती है जिन्हें कि हम वर्टिब्री कहते हैं, और दो वर्टिब्री के बीच स्पंज जैसे ऊतक जिसको हम डिस्क कहते हैं, जो कि उन्हें अलग करते हैं। रीढ़ की हड्डी यहाँ से गुजरने वाली तंत्रिकाओं की रक्षा करती है, जो कि दिमाग को शरीर के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। रीढ़ का एमआरआई डॉक्टर को रीढ़ या उसके आसपास के ऊतकों में मौजूद किसी भी तरह की समस्या के निदान में मदद करता है। दोस्तों, बात करें कि रीढ़ का एमआरआई कौन नहीं करवा सकता, चूँकि एमआरआई एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, और इसीलिए जब तक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक ना हो तब तक कुछ लोगों को ये नहीं करवाना चाहिए, जैसे कि गर्भवती महिलाएं, खासकर पहली तिमाही में। किसी धातु का प्रत्यारोपण करवाने वाले लोग, जैसे कि कान में प्रत्यारोपण या फिर पेसमेकर या कार्डियक डिफिब्रिलेटर, रक्तवाहिकाओं में रखे गए धातु के तार, मस्तिष्क धमनी विस्फार के लिए इस्तेमाल की गई क्लिप्स, या फिर जिन लोगों के शरीर में धातु की कोई चीज़ लगी हो जैसे कि गोलियाँ या फिर छर्रे, या फिर जिन लोगों ने टैटू बनवाया हो, क्योंकि कुछ टैटू की स्याही में धातु होती है जो कि एमआरआई के दौरान गर्म हो सकती है। और बात करें कि रीढ़ का एमआरआई क्यों किया जाता है, तो यदि आपको पीठ दर्द के साथ साथ कुछ और भी लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर रीढ़ का एमआरआई करवाने का सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि चलने और संतुलन बनाने में दिक्कत होना, हाल ही में गंभीर चोट लगना या फिर गिर जाना, पैर में सुन्नता होना या कमजोरी का बढ़ना, पीठ में गंभीर दर्द जो कि दर्द निवारक दवाओं से भी दूर नहीं होता, मल मूत्र त्यागने में असमर्थता या फिर मल मूत्र पर नियंत्रण न रख पाना, बुखार होना या फिर पूर्व में कैंसर हुआ हो, तो आपको डॉक्टर जो है ये सुझाव दे सकते हैं। रीढ़ के एमआरआई से डॉक्टरों को रीढ़ और आसपास के ऊतकों में लगी चोटों, असामान्यताओं, ट्यूमर व अन्य स्थितियों का पता लगाने में मदद मिलती है। रीढ़ का एमआरआई डॉक्टर को कुछ प्रक्रियाओं की योजना बनाने में भी मदद करता है, जैसे कि दबी हुई नस को वापस पूर्व स्थिति में लाना, स्टेरॉयड इंजेक्शन का प्रबंधन, या फिर स्पाइनल फ्यूज़न यानी कि एक से ज़्यादा वर्टिब्री को सर्जरी के जरिए जोड़कर एक बनाना। तो रीढ़ की एमआरआई के लिए क्या क्या तैयारियां की जाती है, तो आप अपना नियमित खान पान जारी रख सकते हैं, लेकिन यदि डॉक्टर इस संबंध में कोई निर्देश दे तो उनका पालन जरूर करें। यदि आपको बंद जगहों पर डर लगता है तो डॉक्टर आपको माइल्ड सीडेटिव दे सकते हैं, जिससे कि आपको नींद आ जाएगी और चिंता नहीं होगी। अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करवाती हैं तो इस संबंध में रेडियोलॉजी स्टाफ और डॉक्टर को जरूर बताएं। आपको एमआरआई कक्ष में जाने से पहले सभी धातु और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को निकाल कर बाहर ही रख देना चाहिए, और ज़रूरी ना हो तो इन सभी चीज़ों को घर पर ही छोड़कर जाए या चेंजिंग रूम के लॉकर में बंद कर सकते हैं, या अपने साथ गए व्यक्ति के पास उन्हें छोड़ सकते हैं, जैसे कि आभूषण, घड़ी और क्रेडिट कार्ड, बालों में लगाने वाली पिन, धातु की जिप और धातु की अन्य वस्तुएँ, नकली दांत या दांत में लगाई गई धातु जिसे कि निकाला जा सके, नाक और कान की रिंग, मोबाइल फ़ोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, साथ ही साथ पेन, चाकू और चश्मा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि रीढ़ का एमआरआई कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, रीढ़ के जिस हिस्से का एमआरआई किया जाना है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी रीढ़ के कौन से हिस्से में लक्षण महसूस हो रहे हैं। तो एमआरआई कुछ चरणों के तहत किया जाता है, जैसे कि इस प्रक्रिया के दौरान आपको एक खास ड्रेस पहनने को दी जाएगी जिसे कि हॉस्पिटल गाउन कहते हैं। यदि एमआरआई के लिए कॉन्ट्रास्ट डाई का उपयोग किया जाता है तो यह आपकी बांह की नस में इंजेक्ट की जाएगी, और कुछ मामलों में कॉन्ट्रास्ट डाई के इस्तेमाल से तस्वीरों की स्पष्टता बढ़ जाती है। इसके बाद आपको स्कैनिंग टेबल पर लेटने को कहा जाता है, और यह टेबल एक बड़े से सिलेंडर जिसे आकार की गुफा जैसी मशीन में जाती है यानी कि स्लाइड होती है। टेक्नोलॉजिस्ट एक अन्य कमरे से इस मशीन को ऑपरेट करता है, लेकिन इस दौरान वह हर समय आप पर नज़र रखता है और किसी भी समय आपसे संवाद कर सकता है। एमआरआई स्कैन के दौरान आपको बिल्कुल सीधा लेटे रहना चाहिए, हिलने पर तस्वीरें धुंधली हो सकती हैं। स्कैन होने के बाद यह टेबल मशीन से बाहर निकल आती है और टेक्नोलॉजिस्ट आपको टेबल से उतरने में मदद करेंगे। यदि कॉन्ट्रास्ट डाई का इस्तेमाल किया गया है तो इसके लिए लगाई गई इंट्रावेनस लाइन को हटाया जाएगा, और एमआरआई स्कैन के दौरान करीब एक घंटे तक का समय लग सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि रीढ़ के एमआरआई में आपको कैसा महसूस होता है। तो दोस्तों, एमआरआई स्कैनिंग प्रक्रिया दर्द रहित होती है, लेकिन लंबे समय तक कठोर टेबल पर लेटे रहने से आपको थोड़ा असहज महसूस हो सकता है। स्कैनिंग मशीन जोर जोर की ध्वनियाँ निकालती हैं, और इस शोर से बचने के लिए आपको ईयरप्लग दिए जाएंगे। यदि कॉन्ट्रास्ट डाई का इस्तेमाल किया गया है तो आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट महसूस कर सकते हैं, जैसे कि फ्लशिंग सेंसेशन, मुँह में नमकीन या धातु का स्वाद आना, खुजली होना, मटली या उल्टी होना, और साथ ही साथ सिरदर्द जैसी भावना महसूस हो सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि रीढ़ के एमआरआई
के जो रिजल्ट है उसका क्या मतलब है। तो रीढ़ का एमआरआई कुछ स्थितियों का पता लगाने में मदद करता है, जैसे कि कशेरुकाओं यानी कि वर्टिब्री और आसपास के कोमल उत्तकों में चोट लगना, रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, रीढ़ की हड्डी और रीढ़ में कोई संरचनात्मक दोष होना, डिस्क और जोड़ों के रोग, रीढ़ की हड्डी और नसों में सूजन या उनका दब जाना, रीढ़ डिस्क या रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन, रीढ़ की हड्डी कशेरुकाओं या आसपास के कोमल उत्तकों में ट्यूमर, टूटी हुई कशेरुका और हड्डी की सूजन, सर्जरी के बाद रीढ़ की हड्डी में घाव या इन्फेक्शन, या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दीर्घकालिक रोग जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह। तो अब बात करें इसके जोखिम की और लाभ की। तो अगर लाभों की बात की जाए तो यह गैर आक्रामक है, विकिरण यानी कि रेडिएशन का कोई जोखिम नहीं है, रीढ़ की हड्डी और नसों को देखने के लिए उपलब्ध ये सर्वोत्तम इमेजिंग टेस्ट है, इसमें रीढ़ की चोटें, असामान्यताएं और बीमारियां आसानी से पकड़ में आ जाती है जो किसी भी अन्य इमेजिंग टेस्ट में संभव नहीं है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन और ट्यूमर के शुरुआती लक्षणों का ये पता लग सकता है। जोखिम की बात की जाए तो मशीन का चुंबकीय क्षेत्र किसी भी तरह के प्रत्यारोपित चिकित्सा उपकरण को खराब कर सकता है और गुर्दे की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे रोगियों को कॉन्ट्रास्ट डाई नुकसान पहुंचा सकती है और कुछ बेहद ही दुर्लभ मामलों में कॉन्ट्रास्ट डाई से एलर्जी भी हो सकती है। अब दोस्तों बात करें कि रीढ़ के एमआरआई के बाद क्या होता है। तो रीढ़ के एमआरआई के बाद आप अपने दैनिक आहार और गतिविधियों को तब तक जारी रख सकते हैं जब तक कि आपको ऐसा करने से मना न किया जाए। यदि कॉन्ट्रास्ट डाई का उपयोग किया गया है तो आपको कुछ समय तक निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि इससे सूजन, चकत्ते, खुजली और सांस लेने में कठिनाई जैसी एलर्जिक समस्याएं हो सकती हैं। यदि आपको शांत करने के लिए सेडेटिव का इस्तेमाल किया गया है तो आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और इसका असर खत्म होने तक आपके साथ हर समय कोई न कोई व्यक्ति अवश्य रहना चाहिए। और यदि इंजेक्शन की जगह पर इन्फेक्शन के लक्षण हैं जैसे कि लालिमा या सूजन तो डॉक्टर को तुरंत सूचित करें। दोस्तों रीढ़ के एमआरआई के साथ जो अन्य टेस्ट किए जाते हैं उनकी बात करें तो सिटी स्कैन किया जा सकता है, एमआरआई किया जा सकता है, माइलोग्राम या फिर सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड टेस्ट जैसे कि स्पाइनल टैप कहते हैं, और साथ ही साथ डिस्कोग्राफी भी की जा सकती है। दोस्तों ध्यान रहे कि इन सभी टेस्ट के परिणाम रोगी के नैदानिक स्थितियों से सहसंबंध यानी कि जुड़े होने चाहिए। यहाँ पर दी गई जानकारी शैक्षिक दृष्टिकोण से दी गई है और यह किसी भी डॉक्टर द्वारा सुझाए गए मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर लें क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।